गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो। भाई आज जो हमारे मेहमान आने वाले हैं, आपके फेवरेट भी हैं, मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। एक्शन देखो तो एक्शन, डांस देखो तो डांस, बस देखते रह जाते हैं आप। और बच्चों के लिए ये सुपर हीरो हैं एक्चुअली, बिकॉज जिस तरीके का ये स्टंट करते हैं, जिस तरीके का ये डांस मूव्स करते हैं, बच्चे तो इनके इतने ज्यादा फैन हैं। और लड़कियां भी, पता चल जाएगा जब वो आएंगे। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हमारे मुन्ना माइकल। प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड टाइगर श्रॉफ। वेलकम वेलकम टाइगर। अरे यार तू कमाल है यार, यू आर अ जेम, ब्रिलियंट, गॉड ब्लेस यू। टाइगर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। जांबाज कलाबाज है वो जिसके आगे तूफान भी ढेर है। वाह, उसे सूरज बन के चमकने में अब नहीं कोई देर है। टाइगर हम दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है। वो क्या? मैं शेर कहता हूं और तुम नाम काम दोनों में बब्बर शेर। क्या बात, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस। अरे मुझे आज भी याद है जब पहली फिल्म टाइगर की आई थी हीरोपंती, उस समय टाइगर जब आए थे तो फिल्म आने वाली थी, लोगों को पता नहीं था, फिल्म देखनी थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने स्टेज पे ऐसा टैलेंट दिखाया, लड़कियां पागल हो गई थी। और अब आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह, और बच्चों में खास तौर पे। बच्चों एक बार टाइगर भैया को हाथ हिला के दिखा दो, कहाँ कहाँ बैठे, कितने बच्चे? हाय। इतनी बड़ी मूंछ है, तुम कहाँ के बच्चे भाई? वेलकम बच्चों, लव यू। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा उस खूबसूरत टैलेंट को जो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल निधि अग्रवाल। शेर बब्बर शेर के लिए था कि शेरनी के लिए भी है कुछ? उसके चेहरे पे दिल खिंचा चला गया। वाह, थैंक यू सर। इस रूप की रोशनी में दीवाना आंखें नीचे चला गया है। आपके महफिल में कदम रखते ही जिंदगी का कैलेंडर 10-20 साल पीछे चला गया। क्या बात है, खूबसूरत मोहतरमा वेलकम स्वागतम ठोको ताड़ी। दीदी आपकी ये पहली फिल्म है जी, और आप हमारे रॉक स्टार टाइगर के साथ पहली फिल्म में काम कर रही हैं, मजा आ रहा है? बहुत ही, पर अपना परफॉर्मेंस बहुत अप रखना पड़ता है, बिकॉज इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अप है। कैसा लगा पहली फिल्म में आपने मुझसे मिल लिया? एक बात बताओ आपको, जब मुझे ये फिल्म मिली तो मेरे बहुत फैमिली फ्रेंड्स ने पूछा कि अच्छा तो आप कपिल के शो पर भी जाओगे, फर्स्ट चीज। तो आई एम एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। पर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, आइए आइए टाइगर दीदी प्लीज। यार ये मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है। हाँ जी। बड़ा ही कमाल का है, हमेशा की तरह जितनी भी आप फिल्में करते हैं हमेशा कमाल की करते हैं। थैंक यू। और जमीन पे कम ही रहते हैं, हवा में ज्यादा रहते हैं। और कमाल का एक्शन है इसमें, कमाल का डांस परफॉर्मेंसेज हैं, और इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है। तो मुन्ना माइकल का क्या किरदार है टाइगर? इट्स अ स्टोरी अबाउट अ बॉय मुन्ना हु बेसिकली एक स्ट्रीट स्मार्ट देड़शाना टाइप डांसर है, और उसका टैलेंट को लेकर कोई मकसद नहीं है उसके पास। तो बेसिकली हाउ Eventually through his journey he finds Nawaz ji jo ek gangster ke role nibha rahe. Acha wo dekh ke bola, mujhe laga mujhe kya laga, he finds Nawaz ji aur Nawaz ji ko dance seekhna hai inko impress karne ke liye. Acha to unko pata chalta hai ki main jo ek dancer hu bahut kamal ka dancer hu, aur unko lagta hai main sikha paunga unko. And that's how when we meet her sort of ek love triangle ho jata hai, and आगे 21 जुलाई को तो मतलब देखना पड़ेगा आपको। नवाज भाई आपको लाइक करते हैं उसमें जी जी, और तो मतलब आपने किसी और के प्लॉट पे प्लॉट तो कोई है नहीं, एक तरफ नवाज भाई एक तरफ टाइगर जाएगी किधर। ये डेब्यू आपकी फिल्म है, इससे पहले आप क्या करती थी? मैंने थोड़ा 3-4 महीने मॉडलिंग की है। अच्छा, ऐसे कोई एडी कुछ एड वगैरह कुछ नहीं किया, थोड़ा सा रैंप पे थोड़ी। तो फिर इस फिल्म में कैसे मतलब ऑडिशन करके? एक्टर हमेशा से ही बनना था, बट यू नो आई मीन आई एम फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल लड़की हूँ, तो समझ में नहीं आता है कि कैसे बनो। तो मैंने स्टार्ट मॉडलिंग से किया, और होते 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 चीजें होते गई। बड़ी अच्छी बात है, आपका आगाज बहुत ही अच्छी फिल्म से हो रहा है, बहुत ही कमाल की फिल्म लग रही है आपकी। मुझे बात पूछनी थी, मुझे एक्चुअली ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है मॉडल्स लोगों को लेके। अच्छा, जैसे हम लोग वो देखते हैं मॉडल जो जाती ना ऐसे करके पहले यूं करके फिर यूं करके फिर वापिस आ जाती है। अब वापिस जाना होता तो सामने वाले बंदे को क्यों थोड़ी देर के लिए एंजॉय करा देती है कि चलो, उनको उम्मीदें बन जाती है कि शायद ये आ रही हैं।
मतलब खैर तो बचकाना ही सवाल था, पर वो जो टीवी शोज में दिखाते हैं इंटरनेशनल शोज में, वो मॉडलिंग जो होती है, वो कपड़े मैंने आज तक रियल लाइफ में नहीं देखे. ऊपर घास फूस बांध ले कितने सारे, यहाँ पे पूरा कपड़ा इधर है ही नहीं, इधर से पूरी टांग ऐसे है और इधर वाला कपड़ा ज्यादा लटक रहा है. वो कपड़े कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं दुनिया के कौन से कोने में, जो फूल पत्ते लगे रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें यहाँ के इतनी ग्रे कर लेती हैं, वो कहाँ पे होता है? इतनी इतनी डिटेल में तुझे कैसे पता गुरु? मैंने बड़ा देखा है वो. अच्छा और एक चीज, उनके एक्सप्रेशन क्यों नहीं होते, वो सीरियस क्यों होती, उनको डर होता है कि चेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद में क्या? वो भी होगा, लेकिन आई थिंक डिजाइनर्स को जो होता है कि उनके कपड़े दिखे, वो खुद यू नो वो शो नहीं स्टील करे, उनके कपड़े शो स्टील करे. लेकिन आपको इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है मॉडल्स के? नहीं, मुझे जानना था कि ये कपड़े जो टीवी पे दिखा रहे हैं ये पहनते कहाँ हैं. ऐसे कपड़े पहन के पार्टी में जा ही नहीं सकते, जितनी लड़की उतनी लंबी उतर बेल लगाई अंगूरों वाली. अच्छा कभी कभी हम देखते हैं ना किसी एक्टर को, जब कोई पहली फिल्म करता है फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, आपको इम्प्रूवमेंट नजर आती है. मुझे टाइगर में इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आई, क्योंकि मुझे पहली फिल्म से परफेक्ट लगा था आदमी, और उतनी ही मेहनत से आया था और आज भी उतनी ही मेहनत करता है. आपको लेकिन अपने आप में क्या फील होता है, कि आपको क्या लगता है कि पहली फिल्म से लेके अब तक आप में क्या चेंजेस आए? आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा खुल गया हूँ? खुलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मैं ज़्यादा सोशल आदमी नहीं हूँ, ज़्यादा मतलब आउट गोइंग नहीं हूँ, पर लोग बोलते कि यार टाइगर काम का हिस्सा है, तेरे को बात करना पड़ेगा लोगों से ज़्यादा, तेरे को इंटरेक्ट करना चाहिए फैंस से, तो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत. अच्छा आपका कभी कोई ऐसा वो नहीं सुना हमने, अफेयर वगैरह कोई कभी? तो आप सच्ची में शरीफ हैं कि कभी पकड़े नहीं गए आप हैं? तो फिर आप शायद पेपर नहीं पढ़ते सर. अच्छा अब मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है. इतना तो खुल के कभी नहीं बोला था. अच्छा आप, मैंने सुना निधि आपके पापा भी कराटे एक्सपर्ट है? जी एक्चुअली उन्होंने ब्लैक बेल्ट उनके पास है कराटे का, और कॉलेज के दिनों में उनके सर के साथ में वो जाके ट्रेनिंग कर लेते थे. अभी तो खैर काम अच्छा. अलग है, बट बहुत उनको मतलब अच्छा आता है कराटे. तो आपने भी मार्शल आर्ट सीखा? नहीं. अच्छा तो आपके पापा? हाँ. तो जब आपने जाके बताया कि मैं टाइगर के साथ फिल्म करी, वो तो बड़े खुश हुए होंगे? वो एक्चुअली बहुत खुश थे. आपके ही शो पे उन्होंने पहली बार टाइगर का कोई परफॉर्मेंस देखा था. अच्छा. तो बहुत ही इंप्रेस हो गए थे वो, तभी से उनको पसंद है. तो एक तो आदमी खुद मार्शल आर्ट सीखा हो, ऊपर से उनको पता चले कि उनकी बेटी जिनके साथ काम कर रही है वो भी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है. हाँ, हाँ. तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कोशिश करो दमाद ही बन जाए, ऐसे ही पूछ रहा हूँ ऐसी कोई उन्होंने तो नहीं सीक्रेट? ओके. एक डेढ़ साल पहले ना टाइगर ने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया था और उन्होंने माइकल जैक्सन साहब को ट्रिब्यूट किया था. तो ये आपका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा, उस समय आपने ट्रिब्यूट दिया. हाँ जी. तो सच्ची में ट्रिब्यूट ही था कि प्रोड्यूसर्स को हिंट दिया था कि मैं ये भी कर सकता हूँ भाई? मैं ये मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ माइकल जैक्सन की वजह से हूँ. मतलब उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है एंटरटेनमेंट फील्ड में खासकर. और हाँ, बस दिल से मैं ये चाह रहा था कि कुछ ना कुछ करूँ उनके लिए. उनके लिए खाली एक छोटी सी मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट देना. आप इतने बड़े माइकल जैक्सन के फैन हैं, तो ऐसे ही बच्चों का सवाल था जो आए हैं. हाँ. कहते कि टाइगर भैया जब आएंगे उनसे पूछना कि जैसे माइकल जैक्सन डांस करते करते आउ करते थे इधर बेल्ट से पकड़ के, उनको बकल चुपता था क्या कि उनका? नहीं, वो खाली जब वो डांस करते थे परफॉर्म करते थे उतना खो जाते थे. उसके पीछे एक राज था कि वो अंदर से जो चीज निकल आती थी ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो वो वहां से वो आउ आता था. तो I think that's अच्छा निधि, जब आपने फैमिली को बताया कि आप टाइगर के साथ फिल्म कर रही हैं, उन्होंने कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के लिए बोला आपको? क्योंकि मैंने देखा फिल्म में निधि के सर के ऊपर से भी लात घुमा रहा है ये बंदा. मतलब चाहे रोमांस कर लो कुछ कर लो, जमीन पे तो काम करना ही नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा एक पैर जमीन पे रहता है, तो आपके ऊपर से भी ऐसे कर रहे हैं. नहीं तो ऐसा रोमांस करते हो तो आदमी डर भी जाता है भाजी. एक आप लात घुमा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए भी अब आदमी रोमांटिक फील ले रहा है कि आंखों में आंखें देखनी, थोड़ा सा फिर डर भी लगता है कि कोई अभी नबी हो गई तो गर्दन टेढ़ी कर देगा. आपको डर नहीं लगा टाइगर के साथ ऐसे सीन करते हुए? टाइगर बहुत प्रैक्टिस करता है हर रोज, तो मुझे बहुत पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो कर लेगा. एक टेक में हो गया वो. टाइगर तो करता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस थी सामने खड़े रहने? नहीं, कभी नहीं. डर लगता था आपको? हाँ, ऑनेस्टली लगा थोड़ा, पर विश्वास भी था. हाँ, विश्वास भी था. क्या बात है, एक ही फिल्म में इतनी केमिस्ट्री.
और जितना फास्ट मूव्स ये करते हैं ना, मुझे लगता है दवाइयों की शीशियों पे लिखना शुरू हो जाएंगे डॉक्टर लोग कि शेक लाइक टाइगर बिफोर यूज। एक और चीज आपने टाइगर में नोटिस की होगी भाजी, अभी तो टाइगर बैठा हुआ है, अगर खड़ा रहता है ना टाइगर, दो मिनट से ज्यादा नॉर्मली नहीं खड़ा रह सकता, फिर ऐसे कूदने लगता है। कुछ ना कुछ आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भी पता है हम आप खाने पीने में बड़ा कंट्रोल रखते हो, पर असल में एक्चुअली जेन्युइनली आपके फैंस जानना चाहते हैं आप क्या खाते हो। बहुत प्लेन खाना खाता हूँ, बॉयल स्टीम खाना जिसमें स्वाद ना हो। कभी कभी होता ना कि खींच के आज में परांठे डाल के, हर समय वाला मूड तो हर पराठे गुस्से में क्यों खाए तुमने? जैसे मैंने ना बीच में मैंने भी काफी वजन कम किया था व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर फिरंगी। जैसे ही मुझे लगा ना कि अभी 10-15 दिन का ही शूट बचा, मैं पहले शुरू हो गया था। मैंने इतना बड़ा पराठा बनवाया चंडीगढ़ में, उसके ऊपर डाला मक्खन इतना बड़ा, और मक्खन ऐसे घूम घूम के ना प्लेट के इधर उधर होके उसने जब पराठे को चारों तरफ से घेर लिया ना, फिर मैंने पराठे को घेरा, 4 किलो बढ़ गया। तो होता है कभी कभी। सर सर अरे सर बैठे 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 हो। अच्छा मुन्ना जैक्सन जी, आई लव यू यार। अरे मुन्ना माइकल नहीं नहीं, अरे जैकी का सन है इसलिए जैक्सन। वैसे सर आपके पिताजी के बहुत बड़े फैन है सर हम। मैं भी हूँ सर। वैसे सर एक सवाल था जैकी दादा के लिए, अगर मौका मिले तो जरा पूछ लीजिएगा। हमारे दिल में ऐसा आता रहता है कि जो क्या है वो हमेशा लड़का लड़की कोई भी हो सबको बीड़ू कैसे कह देते हैं। यार लड़के को बीड़ू कह दे, लड़के को बीड़ी कह दे, बेस्ट सजेशन पूछ लीजिएगा एक बार मौका मिले तो सर रिक्वेस्ट। वैसे आप बिल्कुल घबराइए मत, सिद्धू जी से हम आपको बचा के रखेंगे। इनसे क्यों मतलब? अरे यार टाइगर मतलब शेर, और ये शेर मारते रहते हैं। बच्चा विल सेव द टाइगर। अगर ये बच्चा यादव है बहुत मतलब अच्छा टाइम वेस्ट करेंगे। सर मैं कभी तो प्यारी बातें क्या कीजिए, लाइफ में जरा चेंज लाइए। क्या चेंज लाऊं? 2000 का चेंज ले आइए, हमारे भी काम आ जाएगा। बच्चा इतना बड़ा हो गया बच्चों वाली बातें करता है, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो आती है, आज निधि जी को देख रहे ना तो थोड़ा शर्म आ रहा। आज हमारे पास दुपट्टा होता ना तो खा गए होते। आज तेरा बस चले तो दुपट्टा के कटप्पा खा जाए तो। क्यों शर्म आ रही तुझे? धोती फटी तेरी पीछे से? कमाल का बात कर रहे हैं यार, अगर हमारी धोती पीछे से फटी हुई तो देखेगा वो शर्माएगा, हम क्यों शर्माए यार। वैसे सर हमारा ऐसे हमेशा जोक्स लेके हम आते हैं, लेकिन सर आज आपके लिए हम एक गिफ्ट भी लेकर आए हैं। क्या बात है, थैंक यू सर, दैट इज फॉर यू। शुक्रिया। क्या है ये? क्या है? बीट। सर बीट। इसका क्या करेंगे? ये बूटी करेंगे। बीट पे बूटे, बीट पे बूटे, बीट पे बूटे। हम देखे सर बहुत अच्छा करते हैं आप। निधि जी आपका देख के ऐसा साइज 0 देख के हमें पता चल रहा है कि भगवान ने आपका GST काट के ही आपको धरती पर भेजा है। थैंक यू, आई होप कि सच में ऐसा ही है। और वो जो GST काटा है ना, लगता है हमारे अंदर एडजस्ट कर दिया है। थोड़ा बढ़ गए हम थोड़ा सा। इसको ना कैसे बनाया भगवान ने, कितना सारा मीट इकट्ठा किया नीचे फेंक दिया, बाद में एक ऐसे कलिंगड़ दिया, कहते इसको इधर लगा लेना। आपको पता है आपके आने के बाद तो भगवान ऐसे सर पकड़ के बैठे, अरे यार इस आदमी का बंद करने का बटन ही बनाना भूल गए यार। तो यार का बात करते। वैसे निधि जी आपके स्माइल में कमाल की चमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक है? अच्छा हर बात में जोक क्यों लेकर आता था? क्योंकि आपको आती नहीं और हमारी जाती नहीं। अच्छा तू अपने आप को देख, फिर निधि को देख, फिर अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर। कैसे सोच सकता है? देखिए निधि जी इनका बात ऐसे मानिए मत, अब सच मानिए। देखिए हम अगर जींस और टी शर्ट में आए ना बहुत सुंदर लगते हैं हम। हाँ, माइंड ब्लोइंग। बस आ नहीं पाते उसमें। एक दिन लाल टी शर्ट पहन के घूम रहा था, ऐसा लग रहा था सिलेंडर खुद अपनी डिलीवरी देने जा रहा है। क्यों फ्लर्ट करता है हमारे मेहमानों से? करिए छोड़िए निधि जी, सच्चाई तो यह है कि आपको काफी लाइक करने लगे हैं हम। अभी तो लाइक कर रहे हैं, शेयर और कमेंट भी कर लेंगे आगे जाके।
कहीं टाइगर मुक्का मार के तेरा मुंह ना ब्लॉक कर दे कहीं. बच्चा ये एक नंबर की डांसर है और तू दो नंबर का कुछ भी नहीं. अरे तो ऐसा कुछ नहीं है यार, एक बार डांस करने उतरे ना तो डांस में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. हाँ जब सारे कॉलर पकड़ते तो हाथ क्यों पकड़ेंगे. ऐसा नहीं है सर, डांस हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे लर्निंग चल रहा है. अभी अभी हम गए थे यार डांस सीखने, अपने शत्रुघ्न सिन्हा जी के पास भी गए थे. वो कहाँ सिखाते हैं डांस? हाँ तो वही तो, उन्होंने भी हमसे यही कहा. हमने कहा सर अगर आप डांस नहीं सिखाते तो सारा दिन ऐसा तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तारा क्यों करते हैं. तो यार ये बात सुन के थोड़ा सा हमसे खफा हुए वो. फिर अपने दोनों हाथों के बीच में हमारा सर डाला और ऐसे धपाक 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 तीन बार उन्होंने हमको दिया. अभी भी सर थोड़ा सा चकरा रहा है, सर होता है. पर चलिए कोई बात नहीं, हमने सोचा कि छोड़ो यार, इंडिया में कोई नहीं सिखा रहा, विदेश में ट्राई करते. तो हम गए जाके डोनाल्ड ट्रंप जी से बोला यार डांस सिखा दो. उन्होंने यार कोई एक हमको जगह बोली कि वहां जाओ, लेकिन वो एड्रेस हमको मिल नहीं रहा था तो हम वापस आ गए. कहां जाने के लिए बोला? उन्होंने कहा था कुछ ऐसा कि गो टू हेल. हमको आइडिया नहीं भाई ये कहां है, तो हमने सोचा कि चलो ड्रॉप द आइडिया, पृथ्वी पे तो कोई सिखा नहीं रहा है, सोचते हैं कि ऊपर जाके किसी अप्सरा से डांस सीखते हैं. पर किसी ने बताया यार ऊपर जाने के लिए मरना पड़ेगा. तो हमने सोचा नहीं यार, मरना ही है तो निधि जी पे मरते हैं ना यार, किसी और पे क्यों मरते. बस इसीलिए फिर हमने भी सर, जैसे कि आपके फिल्म में भी हमने देखा है, हमने माइकल जैक्सन के वीडियोस देखे और सीखना शुरू किया. और लीजिए आज हम कहां से कहां पहुंच गए. कहां से कहां? वहां से यहां. बच्चा चल हम मान लेंगे तूने सीखा है, तो मून वॉक करके दिखा. मून वॉक? हाँ. मून वॉक में क्या है, ऐसा होता है, हम दिखाते हैं सर. देखिए ऐसा शुरू होगा. ये मून वॉक थी सर? देखिए सच्चाई में अगर देखा जाए तो मून पे गड्ढे होते हैं सर. मून पे गड्ढे होते हैं, आदमी थोड़ा तो इम्बैलेंस होगा, गिरेगा, इट इज नेचुरल सर, मानते हैं. देखिए है कि नहीं सर? एक मून वॉक वाला आप जरा हमारे साथ एक दिखा देंगे? सो इट टू मी. रेडी? कर लीजिए यार, ये कमाल सर है, टू गुड सर. ये तो मतलब यार बिना एस्केलेटर के एस्केलेट कर जाते हैं, ऐसे करता है यार आदमी, मजा आ गया देख के सर. पर ये तो कुछ नहीं सर, आपकी तरह हम और भी सीख रहे हैं, हम ऐसा स्प्लिट फ्लिट कर लेते हैं. अच्छा, रहने मत करना, तो एक ही धोती वो फाड़ के बैठ जाएगा. नहीं नहीं, हमारा थोड़ा डिफरेंट है सर. आप देखे नॉर्मली सभी लोग लेग स्प्लिट करते हैं. हाँ. हमारा अलग है. क्या? हैंड स्प्लिट. देखा सर? सुपर, वेरी डिफरेंट सर, दुनिया से अलग चलता है अपना. सर देखिए इतना आपके लिए इतना सब दिखाया निधि जी, इतना हमने आपको जो है टैलेंट अपना दिखा दिया. अरे निधि जी के साथ एक डांस का मौका मिल जाए सर अगर. निधि जी एक हो जाए. म्यूजिक दीजिए क्यों बारे मत सर. बच्चा डांस करते के कंफ्यूज करते, समझ में नहीं आता यार कैसे कैसे हो जाता है सर. बच्चा उन्होंने तुझे डांस करके दिखा, अब जॉक सुना उनको. जॉक्स ये हमारा ड्यूटी है सर. क्या होता है सर, एक ऐसा पिटारा है अपने पास जॉक्स का, तैयार रहते हैं हम. तो आपको सबसे पहला जॉक पेश कर रहे हैं. व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन शक्ति कपूर एंड माइकल जैक्सन? व्हाट? आओ आओ. करेक्ट बोले आप. एक और पेश करते सर. एक बार ना मुन्ना मुन्नी होते हैं, भाई बहन होते हैं. अभी मुन्ना जो है अपने घर में, खुद के घर में चोरी करता है, लेकिन पुलिस आके मुन्नी को पकड़ के चली जाती है. बताइए क्यों? मुन्नी बदनाम हुई. मुन्नी बदनाम? मान लीजिए आज पहली बार हुआ है कि हमारा जोक्स का तोड़ निकला है यार. मान गए. थैंक यू वेरी मच. अब मैं बुलाना चाहूंगा फिल्म मुन्ना माइकल के डायरेक्टर साहब को यहाँ पे. प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर साबिर खान. तो ये है हिट जोड़ी जो लगातार बैक टू बैक हिट पे हिट फिल्में देते हैं. साबिर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज
साबिर भाई बहुत बहुत मुबारक जी. थैंक यू सो मच. ये फिल्म का ट्रेलर भी बड़ा ही कमाल का लग रहा है हमेशा की तरह, और आपकी और टाइगर की तो इतनी खैर केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई है जी. टोटल कितने 100 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर आप? वो बोलते हैं ना 99 इयर्स की लीज के लिए मैंने साइन कर लिया. लीज पे ले लिया टाइगर लीज के लिए. अच्छा अभी तो आपने इतना साथ में काम कर लिया है जी, तो अब तो इतनी केमिस्ट्री तो हो ही गई होगी कि टाइगर को अपना भी पता चल जाता होगा कि ये सीन ओके, खुद ही बोल के निकल जाता होगा, ऐसा तो नहीं? हाँ, कभी भी मुझे देख के बोलता है कि ओके, खुद ही बोल देता है. टाइगर आपको पता है जब आप इस वाले शो में पहली बार आए थे जी, वो एपिसोड टीवी पे तो जितने लोगों ने देखा देखा, यूट्यूब पे 2.5 करोड़ लोग देख चुके हैं वो. और उसके बाद जब आप दूसरी बार फिर आए वो भी 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं. आपको नहीं लगता कि आपकी फिल्में जब 100 करोड़ के ऊपर चली जाती है 10% हमारा? एक्चुअली बिल्कुल सही बात है. वी शुड शेयर द प्रोड्यूसर्स नंबर विद यू. अच्छा, हीरोपंती में जैकी दादा की जो पहली फिल्म थी हीरो, उसमें एक फ्लूट का पीस आपने यूज किया था जी. और इस फिल्म में ने देखा कि टाइगर का लुक जो है वो वैसा थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे जैकी दादा का था. यस, करेक्ट. अब धीरे धीरे करके हीरो में से एलिमेंट जो लेते हो सीधा इसका रीमेक क्यों नहीं बनाते इसका? सर मुझे ऐसा लगता है कि डेली अंडे खाएं, पूरी मुर्गी को खा के कोई फायदा नहीं. पर ऐसे मैंने सुना है, कहते कि आपको एक्चुअली किसी ने ऐसे ऑफर भी किया था कि हीरो का रीमेक बनाने के लिए. जी हाँ, बहुत पहले की बात है. पर सच ये है कि मैं पापा से बहुत डरता हूँ, कंपैरिजन से बहुत डरता हूँ मैं. और मुझे शुरू से यही साबित करना था कि मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ, अलग टैलेंट्स है मेरे, अलग स्किल सेट्स है मैं. जो पापा करते मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, जो मैं करता हूँ पापा शायद नहीं कर पाएंगे. तो आई थिंक इसी तरह मैंने ज़बरदस्ती कोशिश की कि टू मेक माई ओन आइडेंटिटी. पर वो मुकाम आपने हासिल कर भी लिया है और बड़ी मेहनत की आपने उसके लिए. अच्छा निधि, एक बात बताना मुझे, अग्रवाल जो होते हैं ज्यादातर बिजनेस में होते हैं. हाँ. एक आप हैं निधि अग्रवाल और एक और हैं काजल अग्रवाल. हाँ. अग्रवाल फैमिली से दो ही हीरोइन. और आपने भी बिजनेस मैनेजमेंट में? मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया है और मेरे डैड का भी बिजनेस ही है. मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड. ओह गॉड, बच्चों ने भेजा है वो. आज टाइगर आए ना तो उनके बच्चे बड़े फैन है. कहते कि एक टोकरी में 5 अंडे हैं. ओके. आपको 5ों बच्चों को बांटने हैं और इस हिसाब से बांटने हैं कि एक अंडा फिर भी टोकरी में रह जाए. ये कोई जोक वाला आंसर है इसका, मुझे पता है. और हम इधर प्रवचन देते हैं. नहीं मतलब देखिए, पूरी अग्रवाल फैमिली को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं आप. किसने कहा ऑमलेट? उससे क्या होएगा? मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ जी. माइक दे दीजिए जी. हाय सर. मतलब अंडे में से निकाल के उसका ऑमलेट और अंडा वैसे रख लिया? नहीं, ऑमलेट बना के शेयर कर सकते ना बच्चे. मैंने कहा एक एक अंडा. तो बॉयल अंडा हाफ दे सकते हैं उनको. मैंने कहा एक अंडा. फिर लड़कियों वाली बात, बहस पे बहस. मैं कहता हूँ सबको एक एक अंडा मिले लेकिन एक अंडा टोकरी में बचे. नो आइडिया. एनी आइडिया? स्टिल नॉट? नो. देखो, 4 बच्चों को 4 अंडे दो. हाँ. 5वें को टोकरी समेत दे दो यार. आप आज 2017 के सुपरस्टार हैं. आपका एक अलग ही अंदाज है, एक्शन आपका माशाल्लाह अलग है, आपका डांसिंग स्किल्स अलग हैं. अगर आप 70s से पहले होते तो आप दोनों किस तरीके परफॉर्म करते उन दिनों जो म्यूजिक होता था उस पे? हीरो हीरोइन को पकड़ते कम ही थे, पेड़ के इर्द गिर्द ही चक्कर लेते रहते. तो ये पेड़ हमारे पास है, ये वाली जी. ओके. तो आपने शुरू वैसे ही करना है, आगे चल के आपका दिल करे जो भी कर सकते हैं. कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? टाइगर, जैसे आप माइकल जैक्सन के फैन हैं, यहाँ पे भी कुछ टिपिकल फैंस हैं. सबसे पहले तो मैं आपको आप ही के फैन से मिलवाना चाहता हूँ. ओके. वो आप देख सकते हैं, टैरोक्स कॉपी है. क्या बात है. हेलो सिद्धू सर. हेलो कपिल सर. मेरा नाम आर के आदि है सैफी. आर के आदि सैफी. दो तीन नाम नहीं, एक बताओ कोई. आर के आदि सैफी. ओके जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. मैं भैया को बहुत दिन से ढूंढ रहा था और आज मुलाकात हो गई है तो मैं उनके साथ डांसिंग करना चाहता हूँ. तो ये जिंदगी आपने... आ रहा हूँ मैं. अच्छा, बहुत अच्छी बात. बाकी मैं डांसिंग भी और सर सिंगिंग भी करना चाहता हूँ भैया के साथ. थोड़ी देर में कहूँगा भैया के साथ फिल्म भी करना चाहता हूँ.
How are you? अच्छा आपने टाइगर को देख के ऐसा स्टाइल बनाया कि पहले से आप मतलब सर मैं पहले से ही ऐसा हूँ अच्छा हाँ और बाकी तो तुम कहना क्या चाहते हो कि आपको देख के उन्होंने स्टाइल बनाया नहीं सर मैं गाजियाबाद से हूँ सर डासना गाजियाबाद हाँ गाजियाबाद से यस कितनी एज है आपकी मेरी 17 प्लस 18 सर अच्छा अच्छा अभी तो लाइसेंस भी नहीं बना चलिए जी क्या करना चाहते हैं आप मैं जिंदगी अराउंड सॉन्ग आया था सो माय बेस्ट सॉन्ग थैंक यू लियासन अच्छा ये स्टाइल में टाइगर का फैन है आवाज में सोनू निगम का फैन है और मैं सर की मिमिक्री भी करता हूँ पहले वो करके बताओ ओके अभी चुप एक एक करके बोलो देखो लड़की घर से भागी ना और कोई पीटी उषा बनने तो भागी नहीं जिस लड़के से प्यार करती थी उसी के साथ भागी होगी शादी करने भागी होगी यार अगर उसे शादी की परमिशन देते तो भागती क्यों ठीक है आपको राकेश सीना आपको राकेश सीना वो मुझे जब भी फोन करेगा मैं आपको उससे पूछ के बता दूंगा लव नस्ल नंबर बताओ क्या बात नहीं है ठीक है कोई बात नहीं आपके लिए खास एक चिट्ठी डालूंगा निकलता हूँ बाय द वे वो टाइगर है ये छोटा कब ऐसा टाइगर बचपन में बोलते थे और बहुत क्यूट है यार आप जी अच्छा आप टाइगर के सच्चे फैन हो तो मैं टाइगर के हाथ से आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देता हूँ टाइगर ये खूबसूरत सा मोबाइल है थैंक यू Thank you, brother. God bless you. Keep it up. So, ये तो हैं टाइगर के फैन उम्र में भी काफी छोटे हैं और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया आपने उनके डांसिंग मूव्स को स्टाइल भी उनका फॉलो करते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स के फैन हैं हम देखना चाहते हैं कि वो कितना करीब से अपने चहेते स्टार्स को फॉलो करते हैं ये हमारे पास हैं एक भाई साहब आइए प्लीज और कौन कौन है हमारे दोस्त यहाँ पे जो आए हैं जी है, गर्ल्स शाहरुख खान आप भी हैं अच्छा दो तीन ओके आइए प्लीज मंच पे आ जाइए अच्छा आप तो आपको देख के पता चल गया आप शाहरुख भाई के फैन हैं यस सर एक्चुअली सर फैन जो होते हैं वो थोड़े बहुत दिखते नहीं है मीन्स उनकी कॉपी करते मतलब स्टाइल माना एक्टिंग का ना मेरी रोजी रोटी शाहरुख साहब है सर मैं 23 साल से उनकी कॉपी कर रहा हूँ सर 23 साल से यस सर आपकी एज क्या है मैं 44 का हूँ सर अभी इस वक्त क्या बात है यार जी हाँ मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि 2 मिनट मुझे सिर्फ शाहरुख साहब दे दें मैंने कहा 70 मिनट है तुम्हारे पास आई लव यू I love you, Nidhi. I love you. तुम किसी और की नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती ना। हर क्योंकि अगर ऐसा हो ना, हर कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, और चौंत का नाम मिलेगा कोई। लोग बहुत से नफरत करेंगे नफरत। नीति मुझे काजल दे दे दे। मैंने शायद मेरा सोच लिया। मैं आपको काजल की बात करूंगी। जितना इधर देख के बोलूं, सारा कटेगा सर मैं एक शाहरुख साहब का इंट्रो कहना चाहता हूँ कि अगर ओरिजिनल शाहरुख साहब अगर इस वक्त यहाँ स्टेज पे होते हैं तो उनका इंट्रोडक्शन फिल्मी अंदाज में किस तरीके से देते जो उनके सीरियल से लेके पूरे फिल्मों के नाम है जो ये मेरे फिल्म का भी है मेरा नाम शाहरुख खान है मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ ओम शांति ओम क्या पता कल होना हो हैरी मेट सिजल तक जाएंगे नहीं सर हैरी मेट उसमें ऐड करने का अच्छा जी तो मैंने बोला यार वो 2:30 ज्यादा नहीं आप सुनिए सर थैंक यू सर आपकी जितनी मर्जी जितना रखना रखे बाकी जितना उड़ाए उड़ाए मैं नहीं उठूंगा यहाँ से नहीं नहीं सर आपको तो रुकना पड़ेगा मैं नहीं उठूंगा जब तक तू चुप नहीं करेगा सो स्वीट ऑफ यू ब्रदर सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच
आइए आइए आइए। आप किन के फैन हैं? सॉरी मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। सर मैं माइकल जैक्सन का फैन हूँ। अच्छा वाह जी, तो क्या क्या करके दिखाएंगे आप? सर मैं मून वॉक करना चाहता हूँ। अच्छा उन्होंने ठीक नहीं किया? उन्होंने ठीक किया ना, लेकिन मैं एक न्यू स्टाइल से मून वॉक करना चाहता हूँ। अच्छा हम भी देखना चाहेंगे टाइगर आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये वेरी नाइस, थैंक यू ब्रदर, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। आप किनके फैन हैं? प्रेम चोपड़ा जी के? सर मैं सर का तो हुई। अच्छा लेकिन एमजे सर का भी हूँ मैं। किनका जी? एमजे माइकल जैक्सन। अच्छा अच्छा उनका हूँ सर। आप क्या करके दिखाएंगे? सर मैं सिर्फ सर के साथ, तो वो जो उनका सर का जो फेवरेट स्टेप है साइड वॉक, वो मैं उनके साथ करना चाहता हूँ। चलो उनके पीछे मैंने बहुत परफॉर्म किया है, लेकिन आज पहली बार उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिलता है मुझे। जी चलो वहाँ से शुरू करते हैं। आ जाओ दोनों माइकल जैक्सन, आ जाओ आओ बैठिए। अरे बैठिए प्लीज। अरे यार कोई बात नहीं, ऐसे क्यों करते, आपको नहीं करना चाहते। अच्छा आप भी माइकल जैक्सन के फैन हैं, तो बताया क्यों नहीं? मुझे लगा फरहान अख्तर के हैं। आप थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओ। अरे ये भी माइकल जैक्सन के फैन है, मैं फरहान अख्तर समझ रहा था। रेडी? सुपर्ब। पर टाइगर इतनी फास्ट ना, मीरा रोड पहुंचने वाले थे। शुक्रिया ब्रदर, कमाल का टैलेंट है आप लोगों में, गॉड ब्लेस यू। आप दोनों भाई हो? हाँ कजन, कजन ब्रदर है। अच्छा अच्छा, हैट भी आपके कजन ही है ना। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। छोटी सी पुलिस बुलाओ जरा, किधर है? अच्छा जी जी प्लीज बोलो जी। टाइगर श्रॉफ सर का इतना बड़ा फैन हूँ, तो मैं अपनी उनको हेड देना चाहता हूँ। एक डेढ़ साल पहनली पुरानी होगी तो ऐसे दे गए। स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप भी देना चाहेंगे अपनी हैट? अच्छा आपके तो बाल है। नहीं नहीं आपका नहीं, मेरे को उनकी लगा। नहीं नहीं मैं तो हैट यार के साथ नहीं यार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक थैंक। पूरा तो बोल, लकड़ी की काठी काठी। नहीं अंकल, मेरे को आते वक्त भूख लग रही थी ना, मैं काठी उखाड़ के रोल करके खा गई काठी रोल। एक मिनट। हेलो, हाँ जी सकू दादा नमस्ते। नहीं नहीं मैं भिड़ू नहीं, भिड़ी बोल रही हूँ। हाँ जी सकू, एक मिनट सकू दादा, होल्ड करना जरा अंकल जी। सकू दादा आपके पापा है? हाँ। वो कैसे हो सकते हैं, वो तो दादा है, पापा कैसे बन गए? लेकिन ना टाइगर भैया, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं, आप एक सत से कूद के दूसरी सत पे, दूसरी सत से कूद के तीसरी सत पे, क्यों करते हैं ऐसे काम? सीधा आप रिक्शा क्यों नहीं ले लेते, ऐसे चोट लग जाएगी। वैसे ना आप जितने बहादुर है ना, मेरे दादाजी भी उतने ही बहादुर है। आपने फ्लाइंग जट में जो ये सतों से उड़े ना, उन्होंने आपको देख के दसवें माले से छलांग लगा ली। फिर? आपको नहीं पता अंकल कि दसवें माले से छलांग लाओ फिर नहीं फुर हो जाता है। यहाँ क्या करने आए आप? मेरी ना मैडम ने कहा है कि इतना लोगों को बीच में उठा बैठा कर होमवर्क जल्दी जल्दी हो जाएगा। टाइगर भैया, निधि दीदी, मैं आपके बीच में बैठ जाऊं? तो वो कहाँ बैठेंगे बेटा? अंकल आप सीधी मुझे मोटी कह लो, ऐसे घुमा फिरा के बातें मत किया करो। हेलो दीदी, दीदी मैं आपको थोड़ा सा टच कर लूं? कर लो। पता नहीं चला अच्छी तरह से। बहुत था दीदी। वाह दीदी, आप तो एकदम फ्रूट एंड नट्स वाली चॉकलेट हो। बाकी अब हम कह सकते हैं
चॉकलेटी हीरोइन लॉन्च हो रही है। होमवर्क करने आई शुरू क्यों नहीं कर रही? कर रही हूँ अंकल, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। मैंने कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके आप जवाब दे दोगे। एक सवाल ऐसा है जिसमें आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है? ओके, राम पानी पिएगा, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट। राम प्यासा है अंकल। अच्छा अब यह बताओ कि पानी क्या है? पानी ऑब्जेक्ट है। पानी गर्म है, तभी तो कहा पिएगा, वरना पी गया होता। चलिए दूसरा सवाल टाइगर भैया आपसे, ऐसा कौन सा अंडा है जिसको जितना मर्जी डंडे मार लो वो फूटेगा नहीं? पता नहीं। सो स्वीट यार, आप बताओ दीदी, आपको तो पहला वाला भी नहीं आया था। मैं बताऊं? आप बताओ। पेन से बनाया हुआ पेपर पे। चलिए अब मैं आपसे हिंदी का सवाल पूछती हूँ कि बादशाह अकबर भारत कैसे आए थे? ये तो हिस्ट्री का सवाल है। लेकिन लिखा तो हिंदी में हुआ ना। बताइए कैसे आए थे, बिजनेस क्लास या इकोनॉमी में बैठ के? अरे वो जहाज में बैठ के थोड़ी आए थे, घोड़े बैठ के आए थे। हाँ तो घोड़ा उन्होंने हैंड कैरी किया था या लगेज में था? घोड़ा कैसे फ्लाइट में आएगा? बताओ ना। दिल्ली क्यों इरिटेट कर रही हो? इरिटेट हो रहे हो? मैंने कल ही किताब में पढ़ा था, हाउ टू इरिटेट समवन इन 2 मिनट्स। मैंने आपको कर दिया। अच्छा निधि दीदी आपसे सवाल, मुझे यह बताओ कि टाइगर भैया बॉम्बे में कहाँ रहते हैं? बांद्रा कार्टर रोड। थैंक यू दीदी, मैंने यही पूछना था, मैं सीधा घर आ जाया करूंगी अभी। चलिए अब जो सवाल है वो होगा इंग्लिश में और वो कप्पू अंकल बताएंगे। हो किसने का? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो ही है। इंग्लिश के नाम पे उनका खुद हो निकल गया। बताइए अंकल इंग्लिश में। तुम्हें क्यों लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती? नहीं नहीं आती है अंकल, लेकिन कभी कभी जैसे छीक डकार जबकि ऐसे आपको भी आती है। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर भैया आप क्यों घबराए, आपसे थोड़ी पूछा है, रिलैक्स बेबी। बताइए। मुझे नहीं पता, तू बता। देखा मुझे पता था, मैं बता देती हूँ। डांसर इज सनी देओल बट ब्लेम ऑन डांस डायरेक्टर। अच्छा एक और चीज, ऐसा कौन सा कोट है ना जो लेडीज पहन सकती है ना ही जेंट्स? कौन सा उनको तो डराया ही नहीं, आप बताइए अंकल जी। हाई कोर्ट? नहीं अंकल, पठानकोट। काफी इंटेलिजेंट हूँ मैं। वाह वाह वाह। कैसे संभालते होंगे तेरे टीचर तुझे? एक्चुअली ना अंकल, मुझे पिछले कई दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना बर्ड फ्लू हो रहा है। बेटे बर्ड फ्लू बर्ड्स को होता है। हाँ तो पिछले कई महीनों से टीचर मुझे मुर्गा बना रही है। इसका मतलब तू पढ़ती नहीं होगी ना? मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा, मुझे सारे सवालों के जवाब आते हैं, लेकिन ना मैं खुद ही नहीं पेपर पे लिखती। पता क्या है दीदी, जो बच्चा घर से सोच के आया होगा कि मुझे फर्स्ट आना है, अगर मैं फर्स्ट आ गई तो उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी? साइंस का क्वेश्चन पूछो तुझसे। अरे पूछो पूछो। पानी में रहने वाले कोई 5 जीवों के नाम बताओ। मछली, मछली के पापा, उनकी मम्मा, उनका भाई और उनकी बुआ। बुआ की शादी नहीं हुई ना तो वो भी साथ में ही रहती है। बस अंकल और कोई सवाल जवाब है? बहुत प्यारी बच्ची है। नाइस। मैं वाकई बहुत प्यारी बच्ची हूँ सिद्धू अंकल। हाँ जी। आप मुझे अपनी बेटी बना लो, मम्मी की मैं बात कर लूंगी। अंदर से तो लुटियां पड़ गई बाजी। इंग्लिश में कितने नंबर आए तुम्हारे, लोगों से सवाल पूछ? 1 मिनट कप्पू अंकल, समान लड़कियों से उनकी उम्र और बच्चों से उनके मार्क्स कभी नहीं पूछते, समझा काफिया? कितने मार्क्स आए तेरे बता? किसमें? एग्जाम की तैयारी कितने?
मैंने एग्जाम की नहीं, मैंने रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली है। क्या मतलब? मैंने रिजल्ट की पता क्या क्या तैयारी की है? पापा की बेल्ट छुपा दी, उनकी लेदर चप्पले, मम्मी का झाड़ू बेलन। मेरे पापा ना समझ ही नहीं आती। टाइगर भैया मुझे कहते तूने पिछले साल फेल करवा के मेरी नाक कटवा दी। मैंने तुरंत शीशा उनके सामने किया, मैं कहा डैडी जी अगर नाक कटवाई होती ना तो चश्मा अब गिर गया होता। नहीं नहीं क्या हुआ, मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना तो बीच बीच में चॉकलेट खाने का मन कर पड़ता है। दल्ली मेरा प्यारा बच्चा है, छोटा वाटर कूलर, मेरी बात सुन। न्यूटन के लॉ के बारे में पता है कुछ? बताओ। न्यूटन के लॉ के बारे में अंकल पूरा तो नहीं पता, लेकिन मेरे को लास्ट लाइन आती है। क्या? इसीलिए उसको न्यूटन का लॉ कहते हैं। अब मैं समझ गया तू हर बार फेल क्यों होती है। अंकल हर बार फेल नहीं होती, मैं क्या बताऊं यार, पिछले बार फेल होते होते मतलब बचने वाली थी लेकिन फेल हो गई, क्योंकि मेरे 90 मार्क्स आए थे ना, 10 और मिल जाते ना पास हो जाती। क्या बात कर रही है, 90% आए तो फेल तो 33% में पास हो जाता है। नहीं अंकल हम तीनों फ्रेंड्स के मिला के 90 आए थे ना, 10 और मिल जाते तो 33 हो जाते। अच्छी बात थी ना, तो मुंह मीठा करना चाहिए। दीदी मैंने इतनी पप्पियां दी, मजाल है कि आपने रिटर्न गिफ्ट दिया, आप भी कर दो। हाँ जी इंटरव्यू कोई ले रहा, पप्पियां कोई ले जा रहा है। और सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मैं ना बहुत परेशान हूँ, आपको पता है मेरा ना कल एनुअल फंक्शन है, टीचर ने एक गाना दे दिया उसमें मेरे से डांस ही नहीं हो रहा, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? चलो कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी ना। आ जाइए अंकल जी, अंकल आप मेरा बैग पकड़ेंगे? चलिए म्यूजिक बम्बर कर जाके अपना। एक मिनट आती हूँ। वही पहली जहाँ पे उन्होंने ली। हाय 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 रब्बा मैं तो पास हो गई। कोई बात नहीं अंकल, मैंने भी तो बड़े होना है, मैंने भी तो हीरोइन बनना अंकल, कभी आप मोटी लड़कियों को भी सोच के फिल्म बनाइएगा। मैं जानता था कि एक दिन शेर से मिलने के लिए टाइगर आएगा यार। बहुत सही वक्त पे आए हो, भाग के दो कप चाय लेके जाओ। वो आपने शेर को चाय के लिए बोल दिया? हाँ बताओ फिर चीनी कितनी रखनी है? पहला शेर है, चाय देके बाद पैसे के लिए बिल्ली जैसा मुंह बना लेता है ये। आप ना शेर की बेइज्जती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं शेर की डेफिनेशन दे रहा था। शेर की कोई डेफिनेशन नहीं होती, शेर की दहशत होती है। पाजी जब भी मैं दहाड़ता हूँ ना तो इसका पजामा पहले गीला होता है सबसे पहले। इसको तो मेरी सारी नॉलेज है, मेरे तो डायपर भी यही चेंज करता रहा है। वो नीति जी आई है, कोई अपने टाइगर जी भाई आए हैं, साबिर भाई आए हैं, मेरे को इंट्रोड्यूस कराओ। क्या कराओ तुझे? इंट्रोड्यूस कराओ। तेरे को इंट्रोड्यूस का स्पेलिंग किसने बताया भाई? इंट्रोड्यूस तुझे क्यों इंट्रोड्यूस करवाऊं? क्योंकि बड़े लोगों में जान पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि कल को इन्होंने पार्टियां करनी है, इनके पास मेरा नंबर नहीं होगा तो मेरे को इनवाइट कैसे करेंगी? तू प्रधानमंत्री तुझे इनवाइट करेंगे? हर बात आपने प्रधानमंत्री साहब तक जरूर लेकर जानी होती है। मेन काम की बात बता, करने क्या है? टाइगर भाई इधर बाजू में ना एक सरला रहती है, आप मेरे को ना कोई एक एक्शन सिखा दें ताकि मैं वो एक्शन करके ना उसको इम्प्रेस कर सकूं मैं। चलो ठीक है। टाइगर क्यों सिखाएगा वैसे तुझे एक्शन? यार उन्होंने सिखा था ना आप बीच में मामी सांस ना बना करो। जोरदार तालियां टाइगर भाई के लिए। 100 रुपए किराए पे यूनिफॉर्म लेके आ गए तो टाइगर जैसा कर लेगा। कुछ बेसिक सा सिखाऊंगा आपको। बेसिक मतलब कुछ हल्का, इसके लिए एकदम हल्का होना है और
दिखाता आपको, थोड़ा स्लो मोशन में ट्राई करता हूं। मेरे को पहले नहीं, नहीं आप बस हिलो मत। अच्छा ये करना है, इट्स वेरी सिंपल। ये नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो जिसमें जान का खतरा हो। तो करके दिखा दे। मैं करके दिखा दूँ फिर? टाइगर जी करेंगे आप मेरा इलाज? कोशिश करूंगा सर। आ जाइए इधर, आ जाइए आप भी, इधर आ जाइए। साबिर सर आप भी आइए प्लीज। सब लोग ठीक है। सोनी साहब प्लीज टेलीविजन के नीचे पट्टी चला दें कि ये जो एक्शन है घर में ना चलाएं और ना ही इसको घर में प्रयोग करें, ठीक है जी? सबसे पहले हम ऐसे करेंगे। साबिर सर ऐसे जी, जी ऐसे स्लो स्लो स्लो, अभी स्लो करो। यहाँ तक ले आइए। हाँ। आगे हाँ। आगे उंगलियों की तरफ देखिए, नहीं मेरी तरफ नहीं, उंगलियों की तरफ देखिए। हाँ जी आप करके बताइए। हेलो हाँ जी व्हाट इट्स अ ट्रिक। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अब नाक तक ले जाइए। चलो जी चलो जी, इतना अच्छा अभी आप ये करके दिखाओ। वन टू चल भाई कर। अब ये करके बताइए, ये अंगूठा हिल रहा है। बच्चे वाले काम हो रहे हैं। मैं जीत गया टाइगर सर, मैं जीत गया। आप जीत गया, अभी जीत गया। थैंक यू वेरी मच, जीत गया। ये ले तेरा गिफ्ट। पप्पू हाय टाइगर, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? वेरी गुड। हेलो हाय। हेलो साबिर सर, हाउ आर यू? हेलो। ये क्या पागलपंती कर रहे हो तुम? वो हीरो थे, उन्होंने हीरोपंती की। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मैंने पागलपंती की। वो बैठे बैठे पता नहीं कौन सी पंती कर रहे हैं। मैंने एक्शन करना सीख लिया, अब हम शादी कर सकते हैं। चंदू हमारी शादी नहीं हो सकती। चाय वाले के साथ तुम शादी नहीं कर सकती? नहीं, मैं चाय वाले के साथ शादी नहीं कर सकती। देखो सरला, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं अमीरी गरीबी में विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं रखती हूँ और मैं चाय वाले से शादी नहीं करूंगी। सरला मुझे एक बात बताओ, कप्पू में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? कप्पू मुझे हैंडसम लगता है। क्या बात, तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता ना, इधर देखो, मुझे ऐसे लगता है तुम सारी रात वीडियो गेम खेलती रही हो। ये जो तुम ऐसी वाहियात बातें करते हो ना, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। हाँ वो तो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच लिखते हैं ना। नहीं? मैं थोड़ा सा इसको जलाना चाहता हूँ, दो मिनट के लिए मेरे साथ डांस कर लो। हाँ जी। मैं बिल्कुल भी नहीं जली, ये जो तुम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे ना, रायता फैला लिया तुमने। चंदू डांस पता है किसे कहते हैं? ये जो तुम मून वॉक कर रहे थे ना, अब तुम डांस देखना। ये क्या था? ये तो हमारी बात हुई नहीं थी, टाइगर के साथ आके डांस करोगी तुम? भाई देखो जलन कितनी हो रही है आज कप्पू को। टाइगर साहब आपने उसको उठाया ना, आप इसको उठा लेते ये ज्यादा अच्छा। रहने दो तुम। मैं जा रहा हूँ सरला, कल तैयार रहना फिर। मैं नहीं तुम्हारी तैयार होने वाली। इससे ज्यादा तैयार नहीं हो सकती, ये बेस्ट है उसका। ओके यस बेटा, क्या बोलना चाहते हैं आप? टैगर सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आज मुझे आपको देख के इतनी खुशी हुई है। मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है, बागी, फ्लाइंग जेट, हीरोपंती, हॉल में अपनी मम्मी पापा से लड़के की मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो उन्होंने दिखाई है। क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ बेटा ऊपर आइए। साहब के साथ आइए, एक सेल्फी लेते हैं। आ जाओ बेटा, आप टाइगर भैया के फैन हो तो मैं आपकी फोटो भी लेता हूँ उनके साथ, ठीक है? कब निधि? साबिर भाई आइए। थैंक यू। तो आप सब लोग ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।